नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बटर स्कॉच बर्फी। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसे मैंने दूध से बनाया है। आइसक्रीम तो आपने बहुत खाई होगी बटर स्कॉच पर, इस बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको बटर स्कॉच बर्फी। और चलिए, रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें 1/4 कप हम चीनी डाल देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ हम चीनी डालेंगे 1/4 कप और धीमी आंच में हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। चीनी को हमें कैमलाइज करना है और इसी तरह से हम इसे पकाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद चीनी पिघल जाएगी, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसे पकाने में। आंच को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है, नहीं तो हमारी चीनी जल जाएगी। इसी तरह हम चलाते रहेंगे और इसे पका लेंगे। और देखें, ये चीनी हमारी पिघल गई है, तो बस हमें इसमें इसे इतना ही पकाएंगे। अब हम इसमें बारीक कटे हुए हमें काजू डालना है, तो आप काजू को पहले से ही काट कर रख लीजिएगा और फिर चीनी को पकाइएगा। और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है। और मैंने यहाँ पे 8 से 10 काजू लिए थे जिन्हें बारीक काट लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मैंने यहाँ पे पहले से एक थाली ली है जिसे ग्रीस कर लिया है और अब इसे हम इस थाली पर फैला देंगे। तो पतली मोटी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसे फैला सकते हैं। अब हम इसे ठंडा करने रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। और हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल किया है। ये पूरे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है हमने। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे और दूध को इस तरह से डाल लेंगे। अब हम मीडियम आंच में इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि उबाल ना आ जाए। इसी तरह हम लगातार चलाते रहेंगे, आंच को मीडियम ही रखेंगे। दूध की बर्फी तो आपने बहुत खाई होगी, पर इस बर्फी को आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनती है। और देखिए, दूध में उबाल आ गई है, तो दूध को अभी हमें थोड़ा और पकाना होगा। तो इसी तरह हम चलाते हुए इसे पका लेंगे, आंच को मीडियम ही रखेंगे और दूध पकते पकते देखें आधा हो गया है, तो थोड़ा और हम इसे पकाएंगे जब तक कि अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। और इसी तरह चलाते रहेंगे, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और देखें, काफ़ी थिक हो गया है। इसी तरह से हम देख लेंगे कि इस तरह से मावा जैसे हमारा बन गया है दूध का। इसी तरह से हमें पका लेना है दूध को। आप आंच को तेज या मीडियम पर इसे पका सकते हैं और इसमें बबल्स भी पड़ रहे हैं। आप देखें, ये थोड़ा थोड़ा कंबाइंड भी होने लगे हैं। तो इसमें अब हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा चीनी हमने नहीं डाली है। और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह चला लेंगे, आंच को धीमा रखेंगे ताकि चीनी अच्छे से पिघल जाए। और इस तरह से जब ये कंबाइंड होने लगे तो ये बर्फी सेट होने के लिए तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया बन के दिख रही है। तो अब हम इसे इतना ही पकाएंगे, गैस को बंद कर देंगे और जो बर्फी हमने बनाई थी चिक्की, वो सेट हो गई है। तो चिक्की को अब हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह से हमने इसे तोड़ लिया है। अब बेलन की सहायता से हम इसे हल्का सा बेल लेंगे ताकि और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं इसके। इसी तरह हमने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद ये काफ़ी महीन हो जाएगी।
तो हम इसमें डाल देंगे। अब हम डाल के बर्फी को सेट करेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिल जाएं। अब हमने यहाँ पे बटर स्कॉच एसेंस लिया है और 2 से 3 बूंदें हमने इसकी डाल दी हैं। अच्छा फ्लेवर आएगा इससे बर्फी में। अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक टीन ले लिया है जिसमें बटर पेपर लगा लिया था और इसे फैला दिया है। आप कोई प्लेट या थाली में भी इसे फैला सकते हैं और इसे अच्छे से दबा दबा कर हम चिकना कर लेंगे। और देखिए दबा दबा कर हमने इसे अच्छे से चिकना कर दिया है छोटी चम्मच की सहायता से। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे सेट होने के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने पर हम इसे काट लेंगे और ये सेट हो गई है। 2 से 3 घंटे लग गए हैं इसे सेट होने में। अब हम इसे निकाल लेंगे और चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। तो जैसे पीस आपको बर्फी के पसंद हो आप उस हिसाब से काट सकते हैं। और देखें बहुत ही बढ़िया ये सेट हुई है। इस तरह से हम उठा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया निकल आई है। देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। तो इसे हम चौकोर पीस में कट कर लेते हैं। पीस अपने हिसाब से आप छोटे या बड़े काट सकते हैं। और मिलते हैं नई नई रेसिपी के साथ।